प्राणात्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की स्वामी श्री लालदास जी महाराज की श्री वितक महायज्ञ की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की आज के आनंद की साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राजश्यामा जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आप चर्चा को लगातार आज 13वां दिन है और आप पूरा भक्ति और प्रेम के साथ सभी आनंद ले रहे हैं और उसको रस बरसा रही हमारी विदुषी बहन श्री शारदा जी प्रणामी ट्रस्टीगण हमारे प्यारे सुंदर साहब जी कल आपने वितक कथा के माध्यम से श्री देवचंद्र जी की बाल लीला को श्रवण किया जिसमें श्री राजी महाराज का श्री देवचंद जी महाराज को प्रथम दर्शन हुआ और वो सिपाही के बेस में मिलकर के उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आपके हाथ में जो गठरी है ना वो मुझे दे दो। भगवान या भक्त के जब मिलन होता है ना तो सबके समक्ष होकर के परमेश्वर सबसे पहले बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्त जहाँ मेरा पग धरे वहां धरू में हाथ संग संग लागत फिर कबहू न छोड़ू साथ। भक्त जब भी पग रखता है तो भगवान वहां हाथ रख देते तो वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहते इसलिए उन्होंने सबसे पहले गठरी को मांगा। इसलिए आज हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आज श्री वितक साहेब का पूजन श्री सुदेश जी सेठी श्री सीमा जी सेठी और विपिन जी सेठी आकर के वितक साहेब का पूजन करेंगे इसके उपरांत हम वितक श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की श्री वितक महायज्ञ की श्री लालदास जी महाराज की श्री चंदन पुष्पे बहु बेले राजे सुगंध सर्वे मरवाला जी ने अंग चारे में पिया जी ने भोजन इन मिल के श्री श्यामा जी ने भोजन इन मिल के श्री टाटा जी ने भोजन इन मिल के श्री भाईजूरा गुरु साहेब जी ने भोजन नहीं वेद के फिर फिर मूल स्वरूप जित मिले रे जो बोली पास नाइन कर मूल स्वरूप से ना तारी नजर नहीं कोई सो करे समान ना तो कोने में कोने माने नहीं कोई सुख मेरे समाने अंगे ना तो कोने में कोने माने अंगे ना तो कोने में कोने वाल रोशी प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की श्यामा महारानी की त्रिनोपुरी धाम की बोल बोल बने वाले की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की
श्री सतगुरु महाराज की, श्री श्यामा महारानी की, महाराजा श्री छत्रसाल जू की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, महाराज श्री ज्वारदास साहेब की, महाराज श्री रामरतन दास साहेब की। रोज तो धाम धनी मुझसे कहलाते हैं अंदर बैठ के कि मैं यहाँ पे साक्षात विराजमान हूं, ठीक है। पर लाडले सुंदर साहब जी, आपको प्रत्यक्ष में मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं। आज पहली बार श्री बीतक साहेब जी की साल निकाली और कहा, धनी ये जागनी का काम कौन कर रहा है यहां बैठ के, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर किस तरह से है। चौपाई सुनोगे ना रोमटे खड़े हो जाएंगे सबके, यहां से हृदय फटने लगेगा, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। लालदास जी की बीतक से फाल निकालनी या महामती प्राणनाथ जी की तारतम वाणी से फाल निकालनी, क्योंकि जो वो यहां बैठ के बोलते हैं उसको फिर प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि कहीं ये लोग ऐसे ही ना समझ रहे हो कि ये तो यहां बैठ के बोलती हैं, यहां श्री प्राणनाथ जी विराजमान हैं, यहां श्री बाईजू राज जी विराजमान हैं, यहां साक्षात सतगुरु जी बैठे हैं, स्वामी लालदास जी महाराज बैठे हैं, इस तखत पर विराजमान हैं। चौपाई सुनिए, हमारे इस बीतक साहब की अभी अभी आप सभी के सामने फाल खोली, चौपाई पता क्या निकली, कह रहे हैं सिंहासन में बाई जी जुगल स्वरूप शोभाए, ताकि संशय ना रहे इस सिंहासन के ऊपर श्री प्राणनाथ जी, श्री बाईजू राज जी, जुगल जोड़ी साक्षात आके राइट 9 बजे विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि ये समय है श्री जी का भी तक करने का बंगला जी के अंदर। और आनंद स्वरूप सुतेज को कहा लोग कहूं बनाए, और इस आनंद का स्वरूप है ये, क्या देने के लिए आए हैं हमें, आनंद ही आनंद, सुतेज जिसका कोई वर्णन ना हो सके, ऐसा तेजोमयी स्वरूप हमें क्या देने के लिए आया है, आनंद ही आनंद देने के लिए। और अगली चौपाई सुनोगे ना तो यहां हाथ रख के सुनना, क्योंकि अब स्वामी लालदास जी महाराज बोल रहे हैं, श्री महामत कहे एहसास जी भया चर्चा का बखत, जय हो। हम रोज यहां बैठ के कहते हैं कि अपनी सुरता को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी में लेके चलिए, क्योंकि ये अभी तक कोई नहीं कर रहा, ये श्री जी खुद साक्षात विराजमान होके श्री लालदास महाराज जी के हृदय में बैठ के कर रहे हैं। लेकिन आज श्री जी ने इसी बीतक के द्वारा प्रमाण दिया, श्री महामत कहे एहसास जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत, कौन बैठते हैं रोज महाराज श्री ज्वारदास जी हृदय से कहते हैं कि यहां श्री प्राणनाथ जी बाईजूराज जी बैठे हैं, इस तखत पर स्वामी श्री लालदास जी महाराज बैठे हैं, और 5000 सुंदर साथ श्री बंगला जी दरबार के अंदर दोनों बाजू भर के बैठे हैं। पहली बार चौपाई निकाल ली है जब से अभी तक चल रही है, पहली बार धनी से पूछे, धनी ये जागनी कौन कर रहा है, ये चर्चा कौन सुना रहा है, तो श्री जी ने कहा मैं बताता हूं कौन सुना रहा है। लालदास जी महाराज जी ने कहा मैं बताता हूं कि श्री जी और बाईजू राज जी इस तखत पर विराजमान हो गए हैं, और लालदास जी चर्चा सुनने के लिए आगे तखत के आके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं नहीं कर रहा, कौन चर्चा कर रहे हैं, खुद श्री जी और
बाईजू राज महारानी का ध्यान करते हैं। तो आइए लाडले सुंदर साहब जी, हम सभी श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर श्री जी साहेब जी का ध्यान करते हुए वंदना बोलेंगे। श्री वंदो सत गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, आशोभरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहे ग्रहे की लाज मेरे दिल की देखियो, दर्द न कछु इशक ना सेवाना बंदगी ए मेरी बीतक। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर प्यारे मिलू प्यारे पियूसों, प्यारी श्री महामती कहे बेर बेर। ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। धाम से आए प्राणनाथ नाथ को प्रणाम करो, धाम से आए प्राणनाथ सभी बोलिए जय हो, और धाम से आए प्राणनाथ नाथ को प्रणाम करो, धाम से आए प्राणनाथ नाथ को प्रणाम करो। ओ बार बार सजदा करो मेहरा से झोली भरो, बार बार सजदा करो ओ बार बार सजदा करो मेहरा से झोली भरो, बार बार सजदा करो मेहरा से झोली भरो। ओ मंदिर में आए प्राणनाथ नाथ को प्रणाम करो, मंदिर में आए प्राणनाथ नाथ को प्रणाम करो, ओ मंदिर में आए प्राणनाथ नाथ को प्रणाम करो, मंदिर में आए प्राणनाथ नाथ को प्रणाम करो। ओ बार बार सजदा करो मेहरा से झोली भरो, बार बार मंदिर में भी राजे प्राणनाथ नाथ को प्रणाम करो, मंदिर में भी श्यामा जी को लाए हैं आप, श्यामा जी को करो, श्यामा जी को लाए प्राणनाथ श्यामा जी को सजदा करो, ओ श्यामा जी को लाए प्राणनाथ श्यामा जी को सजदा करो, श्यामा जी को लाए प्राणनाथ श्यामा जी को सजदा करो, ओ बार बार सजदा करो मेरा से डोली भरो, बार बार सजदा करो
करो मेरा से जोली भरो प्यारे की। आइए लाडले सुंदर साज जी वाणी चर्चा को आगे बढ़ाएं। श्री महामत कहे ए साथ जी ए देव चंद्र जी की भी तक आगे खोज करेंगे सो बाता बुजरक सो बाता बुजरक। अब कहूं कच्छ देश की पहुंचे आप आए जित। बोलो श्री साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी हमारे शिरजी वाइजुराज महारानी साहिबा तखत पर विराजमान स्वामी श्री लालदास जी महाराज महाराजा छत्रसाल जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और समस्त ट्रस्टीगण हमारे श्री पुजारी जी महाराज आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साज जी धामधनी की अपरंपार कृपा है हमारे सुंदर साथ पर जो बरस रही है ना। इस कृपा के बारे में हमें अभी पता नहीं है पर पता कहां लगेगा जब हम मूल मिलावे के अंदर जगेंगे तब आप इतना धन्यवाद दोगे ना महाराज श्री ज्वारदास जी की उस आत्म को कहोगे कि धनी है सतगुरु जी अगर आप ना होते क्योंकि सतगुरु संगे में एक घर पाया दिया पार ब्रह्म दिखाई। सतगुरु जी की कृपा से हमें अखंड परम धाम की प्राप्ति होती है सतगुरु जी की कृपा से हमें साक्षात श्री राजजी महाराज मिलते हैं सतगुरु जी की कृपा से हमारी आत्मा जागृत होती है। एक पूर्ण सतगुरु जब मिल जाते हैं तो हमें शुद्ध देते हैं कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना है जीवन जीने की कला सतगुरु सिखाते हैं। हमें ऐसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो पूर्ण सतगुरु हैं जिनके लिए श्री इंद्रावती जी कहती है सतगुरु मेरा श्याम जी मैं एहनिस चरणे रहूं सनमंद मेरा याईसो मैं ताते सदा सुख लूं। हमें ऐसे सतगुरु नहीं मिले। आप सुनिए कि ए धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को हम सतगुरु कहते हैं तो ये हमें सतगुरु कैसे मिले जिन्होंने पूर्ण रूप में जब तक पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत को नहीं पाया जब तक परम धाम को नहीं पाया तब तक अपनी महिमा किसी को गाने नहीं देंगे। और खोज करके किस प्रकार से आज हमें बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी खसम आज जो तारतम हमारे पास है ना ये सुनते जाना कि कितनी कसनी करके ये तारतम आया है जिस तारतम की अभी हमें कदर नहीं है जो तारतम एक मिनट के अंदर जाप होता है विचार कीजिए उस तारतम के लिए हम 5 मिनट भी देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि 5 बार तारतम का पाठ 5 मिनट में हो जाता है विचार करो है ना। और ये सतगुरु जी ने इस तारतम मंत्र को कैसे पाएंगे विचार कीजिए कल क्या हालत हुई है उनकी हमने कल देखा और जो निष्पति सुंदर साथ थे उनके टपक टपक आंसू बह रहे थे एक पल भी उनकी आंखें नहीं सूखी सतगुरु देवचंद्र जी को देख के और श्री राज जी के स्वरूप को देख के कि क्या हालत हुई है हमारे श्री निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो साक्षात श्यामा जी महारानी सिंहासन पर बैठने वाली अपने प्रीतम को खोजने के लिए कैसे दर बदर भटकती हैं और कोई एक महीना नहीं एक वर्ष नहीं 40 वर्ष तक खोज करती हैं जिन्होंने 40 वर्ष लगाए उस तारतम को पाने के लिए एक तारतम की माला 40 मिनट में हो जाती है वो भी हमारे पास समय नहीं है एक तारतम की माला करने का भी देखना तारतम कैसे पा रहे पाएंगे सुनते जाइए कहां कहां जाएंगे। कल हमने सुना कि किस प्रकार बारात के पीछे दौड़ते दौड़ते उनके पेट में दर्द होने लगा
देखा था कैसे तड़प रहे थे पेट दर्द से, हैं? और रक्षा करने वाला जंगल के अंदर कोई नहीं था, और कौन आए? साक्षात श्री राजजी महाराज बारात के साथ मंजिल तक पहुंचाया और चले गए। और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के लिए नवरंग स्वामी जी अपनी बीतक में वर्णन करते हैं, कितने घंटों तक रेत पर लेट लेट के रोते रहे, बिलख बिलख के रोते रहे। हमें अगली चौपाई दिख जाती है लालदास जी की बीतक में कि आ गए सीधा पहरेदार के पास और आ गए उठ के, लेकिन घंटों विरह किया, घंटों विलाप किया, तड़फ तड़फ के आत्मा उनकी हाल बेहाल किया कि हाय जिस स्वरूप को मैं ढूंढने के लिए घर से निकला वो स्वरूप मेरे सामने था और मैं उनकी, तुम भेष बदल आए के दियो दीदार, पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद के आकार। कहते भेष बदल के सतगुरु आते हैं, धनी आते हैं, पर ये वजूद दिखता रहता है, इसलिए हम पहचान क्यों कर सकूं, इस पहचान नहीं कर सकते, नहीं पहचाना, सामने खड़े रहे, इतनी बातें करी पर पहचान क्यों कर सकूं, नहीं पहचान पाए, उन्हीं के लिए तड़फे बिलखे और कहा धनी अब कहां जाओगे, ये तो मेरे को पता लग गया कि आप मेरे सिर पे खड़े हो, मैं आपको ढूंढ लूंगी, अब ढूंढने के लिए चले हैं। इसलिए चौपाई में कहेंगे पिया मैं बहुत भांत तो को खोजिया, कौन? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। किसको खोजने के लिए निकले, किसकी खोज पे निकले हैं? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी की खोज के लिए निकले हैं। और कहते हैं कि अब कहां आ गए, कच्छ देश के अंदर, और वहां पे जिस प्रकार से खोज करी स्वामी श्री लाल दास जी महाराज कहते हैं तहां आए खोज करी सो बताऊं इत, किस प्रकार से खोज करी उसका वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी श्री लाल दास जी महाराज साधारण नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, महामती की उपाधि प्राणनाथ ने दी है। और अंदर धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन नूर हुकम बुद्ध मूल वतन, धनी जी का जोश है, श्यामा जी की आत्मा अंदर ही बैठी है, वो दुल्हन अंदर बैठी है, श्री राज जी का हुक्म अंदर है, श्री राज जी का जोश अंदर है। और कहते पांचों मिल भई श्री महामत वेद कते पहुंची सरत, ये पांचों शक्तियां स्वामी लालदास जी के हृदय में है और ये तारतम वाणी रूपी कल्प वृक्ष उनके हृदय में है, जब चाहत करते हैं जिस लीला की वो लीला सामने खड़ी हो जाती है आके। लालदास जी महाराज आंखों देखा हाल वर्णन कर रहे हैं, चाहे श्री लालदास जी महाराज कच्छ में नहीं है पर कच्छ की पूरी लीला को पहले आंखों से देख रही है, क्योंकि धनी जी दिखा रहे हैं जोश का स्वरूप अंदर बैठा है, धनी देवचंद्र जी श्यामा जी के स्वरूप में अंदर बैठी हैं, वो अंदर से उनको दिखा रही हैं और वो आंखों देखा हाल वर्णन कर रहे हैं कि कच्छ में कैसे आए हैं, हैं? और किस प्रकार से खोज करने लगते हैं, तो कहते लगे खोज करने बैठे दौरे जाए, चर्चा को उत्पूछत वे प्रतिमा को ठहराए। अब कच्छ देश के अंदर आ गए खोज करने के लिए, और धनी देवचंद्र जी महाराज एक मंदिर में गए और मंदिर में जाके पूछा यहां चर्चा कितने बजे होती है, क्या पूछा? क्योंकि बिना चर्चा के आत्मा जागृत नहीं होती है ना। उन्होंने आगे से कहा कि यहां हमारे तो मूर्ति पूजा है, तो फिर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का मन माना नहीं है ना, उन्होंने कहा मूर्ति के द्वारा जागनी कैसे होगी, क्योंकि मूर्ति को हमें ब्रह्मवाणी चर्चा थोड़ी सुनाएगी, मूर्ति के सामने तो वो पहले परिक्रमा कर चुके हैं, उमरकोट गांव के अंदर तीन तीन घंटे पिंगल शाम की परिक्रमा करके आए हैं, दंडवत परिक्रमा करके आए हैं, तो मूर्ति पूजा से पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत नहीं मिलेंगे। तो कहते हैं तहां मन माने नहीं, रहा ना आवे नजर, वहां उनका मन नहीं माना, कहां नहीं माना, मूर्ति पूजा में सतगुरु देवचंद्र जी का मन नहीं माना,
कोई दिन रहे तीन में फिर उठे खोज पर, कहते कुछ दिन रहे फिर खोज करने के लिए निकल पड़े। फिर एक सन्यासियों के पास आ जाते हैं, ये सन्यासी दत्तात्रेय के भक्त हैं, इनके पास आते हैं और कच्छ की सारी जनता इन्हीं को पूजती है क्योंकि ये चमत्कारी संत हैं, है ना। वहां जाके उनसे पूछा तो वो सन्यासी कहते हैं भाई हम तो सब कुछ जानते हैं। तो देवचंद्र जी ने कहा कि मुझे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाना है, आप बताओ मैं उसको उनको कैसे पाऊं। तो उन्होंने कहा हम आपको नाम सिमरण दे देते हैं, आप नाम सिमरण करो और आपको परमात्मा मिल जाएंगे। अब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज दत्तात्रेय की वहां चर्चा सुनते हैं, वो दत्तात्रेय की चर्चा सुनाते हैं और ध्यान सिखाते हैं और वहां पे उनसे सतगुरु देवचंद्र जी ने मंत्र दीक्षा ले ली, है ना। और मंत्र का जाप भला सतगुरु जी जैसा कैसे कौन करेगा, कौन करता है मंत्र का जाप जिनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के अलावा और कोई प्यास ही ना हो, और कोई कह दे इस मंत्र से परमात्मा मिल जाएंगे। सोचो हमारे सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कितनी निष्ठा से, कितनी श्रद्धा से, कितनी भावना से, कितने प्यार से उस मंत्र का जाप किया होगा। पर आगे लालदास जी महाराज कहते हैं पर दिल में कछु न आवी क्यों न पतिजे मन, पर दिल के अंदर कुछ भी नहीं आया, ना शांति मिली ना आनंद मिला ना उस मंत्र पर फिर विश्वास हुआ कि इतना मंत्र का जाप करो तो आत्मा को कुछ तो मिलना चाहिए। आप 5 बार तारतम का जाप करते हो तो कितना कुछ मिलता है, और जब हम 3-3 तारतम की माला करते हैं तो हमारे जैसा मालोमाल कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, कितनी शक्तियां उस तारतम के अंदर समाई हैं, है ना। तो इन्होंने जाप किया कुछ नहीं मिला, तो कहते कुछ दिन वहां रहे, फिर कन फटे हैं उनके पास चले जाते हैं, वो कानों में जिन्होंने बड़े बड़े सन्यासियों ने कुंडल डाले हुए हैं, वेशभूषा पर बड़ा उनको अभिमान है कि हम इतनी माला और ऐसे हमारा भेष, उस भेष पे ही वो बड़ा अभिमान रखते हैं कि हम इतने बड़े वैरागी हैं। तो कहते वो राजगुरु कहलाते थे और उनके बहुत सारे चेले थे और सारा कच्छ देश उनको मानता था क्योंकि चमत्कार को नमस्कार सारी दुनिया करती है। तो कहते कुछ दिन वहां भी रहे और उनसे भी चर्चा के लिए पूछा, तो कहते उन्होंने चर्चा के लिए कोई बात नहीं की। फिर कहते वैरागी कापड़ियों के पास चले गए सतगुरु देवचंद्र जी महाराज। ये कापड़ी कौन होते हैं, ये कापड़ी जो शमशान घाट में जाके जो तांत्रिक होते हैं ना वो क्या करते हैं, जब हम चीता को जला के आते हैं ना तो वो रात के 12-1 बजे शमशान घाट में जाते हैं और जलती हुई चीता में से वो फूल उठा के ले जाते हैं और उसको फिर वो सिद्ध करते हैं और सिद्ध करके मंत्र पढ़ के सब कुछ करके और फिर उनसे वो काम करवाते हैं तांत्रिक लोग। तो ये उनके पास गए, वहां भी धनी देवचंद्र जी ने वस्त्र न देखी तिन में परे इंद्री बस मन, वहां पे भी कोई वस्तु नजर नहीं आई, ये इंद्रियों के बस में पड़े हुए क्योंकि ये गलत चीजें खाते हैं। शमशान घाट में शराब चढ़ाना, गंदी चीज चढ़ाना और वहां बैठना, भूत प्रेतों को बुलाना, ये तांत्रिक ये काम करते हैं। और जो तांत्रिकों के पास जाते हैं उनको प्रेत योनि मिलती है, जो तांत्रिकों को मानते हैं तांत्रिकों के पास जाते हैं उनको सीधी प्रेत योनि मिलती है, ऐसा भागवत में वर्णन है कि जो जिसको मानेगा वो वहीं पहुंचेगा, ठीक है। और कहते वहां भी मन नहीं माना, फिर सतगुरु देवचंद्र जी महाराज मस्जिद में चले गए मुल्ला के पास, मुल्ला के पास जाके पूछा अल्लाह ताला की कुछ तो बताओ बात, है ना। तो कहते वहां जाके भी कुछ नहीं मिला, ता कछु ना पामी, कोई दिन रहे तित, कुछ दिन मस्जिद में जाके भी रहे लेकिन आत्मा को करार नहीं मिला, सुकून नहीं मिला, है ना। और ब्राह्मण भेष कई, कहते रामानुजाचार्य के पास गए, नीमानुजाचार्य के पास गए, वैष्णव संप्रदाय वालों के पास गए, सभी धर्मों के अंदर सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने खाक छानी किसको पाने के लिए,
उनको जरूरत नहीं थी। ये किसके लिए किया? ये हमारे लिए उन्होंने करके दिखाया कि जो मेहनत मेरे सुंदर साथ बाद में करें वो मैं ही करके दिखा दूं। ये सभी मंदिरों में भटके कि कहां कहां क्या क्या मिल सकता है, तो सारे मंदिरों में मैं ही खाक छान के इनको दिखा दूं कि किसी भी मंदिर के अंदर जाके हमारे श्री निजानंद स्वामी जी को कुछ नहीं मिला। इसलिए हमें सावधान किया कि पतिव्रता पढ़े सेविए ना थाइए वैश्या जीम। एक पतिव्रता धर्म की तरह सेवा कीजिए, है ना। हमें समझाने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। कहते खोजत ही फिरत रहे, मेहनत करी अति जोर, खोजते ही रहे। पता कितना टाइम तक ये रहे हैं कच्छ देश में? डेढ़ वर्ष तक नए नए मंदिरों में, नई नई जगह में खोज करते रहे हैं। 18 महीने, कितने 18 महीने तक मंदिर मंदिर जा जाके एक एक संत से, एक एक गुरु से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पता पूछा, परम धाम का पता पूछा, लेकिन किसी से भी एड्रेस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नहीं मिला। नेति नेति कहा निगमे, वेद कहते हैं इत नहीं है, इत नहीं है, क्योंकि पाया नहीं ना। और शिव जी कहते जिन जानो पाया नहीं है पावन हार परमान, सो छिपे इन छल से वाकी कासो ना मिले तान। ऐसा ना सोचना कि पाया नहीं, ये पाके दिखाएंगे हैं। और कहते हैं फिरते भोजनगर आए तीन शहर में, ता हरिदास जी रहे भाई सोबत इनसे, बोला श्री अब खोज करते करते कहां आ गए, भोजनगर के अंदर आ गए। और वहां पे आके हरिदास जी महाराज, जब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज 3 वर्ष के थे ना, तब से हरिदास जी इन्हीं के यहाँ जाते थे। नवरंग स्वामी जी लिखते हैं सभी जगह से तीर्थ करके आते थे तो इन्हीं के यहाँ जाते थे। कहाँ ठहरते थे? मत्तू मेहता जी और कुंवर बाई माता जी के यहाँ जाके ठहरते थे, ये उनके गुरु हैं, है ना। और खोज करते करते आज कहाँ आ गए हैं, हरिदास जी के चरणों में आ गए, है ना। और वो राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं हरिदास जी। और वो जो सेवा करते हैं ना हरिदास जी, वो सिर्फ अपनी आत्मा के लिए परमात्मा की सेवा करते हैं। किसके लिए करते हैं? परमात्मा को पाने के लिए निस्वार्थ भावना से अपनी आत्मा को सुख देने के लिए सेवा करते हैं। और किनकी सेवा करते हैं? सेवा बांके बिहारी की करे सखी भाव धर्म। बांके बिहारी जी की सेवा अपने आप को सखी समझ के करते हैं। कौन? हरिदास जी। आज ना जब प्रश्न पूछे जाएंगे ना, आप बड़े बड़े फेल हो जाओगे जब इतने इतने बच्चे प्रश्नों का उत्तर देंगे। अभी अभी भी तक हो रही है और बच्चे तैयार बैठे हैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। आप ध्यान से नहीं सुनते। आपसे कोई आके पूछता है तो फिर आप एक दूसरे का मुंह देखते हो कि ओ क्या बोल रहे हैं। अभी ध्यान से सुन के एक एक शब्द को नोटबुक लेके आया करो, नोट किया करो, घर जाके उसको पढ़ा करो और पढ़ के याद करके इस ब्रह्मवाणी को, इस ब्रह्मलीला को अपने हृदय में रखो। ये कोई कथा नहीं है, कहानी नहीं है। एक सीरियल देखते हो तो अगर दूसरे दिन ना देखा हो तो दूसरी से पूछते हो कल क्या हुआ था सीरियल में, इतनी लगन से एक सीरियल देखते हो, है? कल मैं थी नहीं, अब कितने बजे आएगा वो सीरियल, जो निकल गया मेरा तो कल वाला है। और उसकी एक एक बात याद रहती है भी किसने किसको क्या कहा और उसने, और पूरा सीरियल सुन लो। ये भी तो किसकी लीला है? इतने सीरियल देख लिए जीवन के अंदर, कोई भी अखंड करने लायक नहीं है, लेकिन ये लीला आपको ज्यों का त्यों अखंड करेगी। जैसे बैठे हो ना, ये आपकी अखंड मूवी है, ये परम धाम के अंदर दिखाई जाएगी पूरी की पूरी, ऐसे की ऐसे ही। याद रखना इस बात को,
जैसे बैठे हो ना, ये सीन बार बार दिखाए जाएंगे कि ये देखो श्री गंगानगर के अंदर श्री जी बीतक कर रहे हैं और सुंदर साथ बैठे हैं। तो कहते एक एक शब्द को दिल से सुनिए, किसकी सेवा कर रहे हैं? बांके बिहारी जी की। कौन कर रहे हैं? हरिदास जी। हरिदास जी कहां रहते हैं? भोजनगर में। अब कुछ भूलना मत, ठीक है? कहते रहे तिनकी सोबत में देखी सेवा अति प्रेम। अब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी की सोबत में रहने लगे। सोबत समझ सकते हो ना, नाल नाल रहना, सारा दिन नाल नाल रहना, साथ साथ रहना, ठीक है? क्योंकि जैसा करो संग वैसा चढ़े, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। तो संग का रंग तो चढ़ता है ना, अब किसके संग रह रहे हैं वो? तो कहते सांचा देखा इनको, सेवत अति नेम। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज इतने मंदिरों में जाके आए हैं, ऐसे ही नहीं कह दिया ये सच्ची हैं। पहले कितनों को देख के आए हैं, किसी को कहते ये गुण इंद्रियों के बस में पड़े हैं, किसी को कहा ये तो चमत्कार कर रहे हैं, हैं? लेकिन यहां आके कहते हैं जब रुत आवे गर्मी की तब सेवा तीन माफक। गर्मी का मौसम आता है तो हरिदास जी महाराज पूरी गर्मी के अनुसार व्यवस्था करते हैं। क्या व्यवस्था करते हैं? कच्चा मंदिर है ना, तो पूरा पानी का छिड़काव करते हैं। गर्मी के दिन है पतले पतले सफेद वस्त्र पहनाते हैं, गर्मी के दिन है तो ठंडी दही ठंडा दूध भोग में लगवाते हैं, है ना? तो कहते ठंडक करे हर भांसो आगा समय रुत ताकत। जैसी रुत आती है, अब गर्मी का मौसम है तो पूरा मंदिर ठंडा कर देते हैं और उसमें भी वो गुलाब जल डाल देते हैं कि खुशबू आए मेरे बांके बिहारी जी को, मेरे श्री बाल मुकुंद जी को। इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तो कहते जब सर्दी का मौसम आता है तो फिर गर्म चीजों का सामान, ये नहीं कि जब आ जाए सर्दी तब जाएं गर्म वस्त्र बनाने। हम कब जाते हैं? जब ठंड आ जाती है ना, हम तब राज्य के लिए सोचते हैं शनील दे वस्त्र बनाविए, पशम दे बनाविए। कब? वो फिर बनते बनते क्या आ जाती है, पशम के वस्त्र बुनते बुनते फिर क्या आ जाती है, गर्मी आ जाती है। और ये क्या करते हैं, ये पहले सोचना शुरू करते हैं कि अगले महीने क्या आएगी, सर्दी। तो फिर सर्दी के लिए मैं पहले शनील के वस्त्र बना लूं, गरम वस्त्र बनाने हैं मेरे को, पहले से व्यवस्था करते हैं। तो कहते हैं अब ये वस्तु करूं चाहेगी मुझे आज, तो कहते ये वस्तु चाहिए, ये मेरे को सर्दी में चाहिएगी, पहले तैयारी करके रखते हैं, है ना? और दिन में स्नान कितनी बार करते हैं? दो चार बार तो वो नहाते हैं। हम तो गर्मी में दो चार बार नहा लेते हैं पर सर्दी में एक बार, है ना? तो कहते जैसे ही रुत पलटा खाती हैं तो कहते चाहे गर्मी होए चाहे सर्दी होए, वो बार बार स्नान करते हैं। किसके लिए स्नान करते हैं? क्योंकि उनको सेवा करनी है निज मंदिर में जाके। तो निज मंदिर में सेवा करने के लिए जाना है तो वस्त्र हमारे शुद्ध होने चाहिए, हम नहा के जाएं, है ना? तो ऐसा श्री सतगुरु देवचंद्र जी महाराज अपनी आंखों से देख रहे हैं। कहते जब तब उनको स्नान का फेर फेर बखत होए, सुबह सेवा करी तो सुबह नहाई, दोपहर को थाल भोग का समय हुआ तो फिर नहा के आए, फिर उठापन करना था तो फिर नहा के आए, रात को संध्या आरती करनी थी तो फिर नहा के आए, वस्त्र बदल के आए। तो कहते ये सांचवटी देख के ऐसी करे ना कोई। देवचंद्र जी ने देखा इतनी सच्चाई के साथ सेवा, ऐसी तो सेवा कोई भी नहीं करता। कितने पुजारियों को मिलके आए हैं, कितने गुरुजनों को मिलके आए हैं, कितने धर्मों में गए हैं, लेकिन ऐसी सेवा कोई नहीं करता। इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार। बोलो श्री आना।
जब यहाँ आए तो आत्मा को सुकून मिला, आत्मा को चैन मिला। ये सांचवटी देख के करने लगे विचार, ऐसा सच्चा हरिदास जी को देख के मन में विचार करते हैं, इनकी मैं सेवा करूं, वस्त ग्रहूं इनसे, अब मुझे हरिदास जी की सेवा करनी है। अगर हमने किसी से ब्रह्म ज्ञान पाना है ना, कोई वस्तु पानी है ना, तो पहले उनकी तन से, मन से, दिल से सेवा करनी पड़ती है ना, उनको रिझाना होता है, उनके हृदय के अंदर सब कुछ होता है। और जब हम अपने सतगुरु को रिझा लेते हैं तो सतगुरु बिन मांगे अपने हृदय का सारा ब्रह्म ज्ञान दे देते हैं, है ना। जीना सत गुरु मनाया है, ओंदा रब रुस नहीं सकदा। जीना सत गुरु मनाया है, ओंदा रब रुस नहीं सकदा। करो सत्कार सतगुरु दा, करो सत्कार सतगुरु दा, जेड़ा दुख दूर करदा ले। करो सत्कार जो खाली झोली ले आवे, जो खाली झोली ले आवे, ओनो भर पूर करदा ए, ओनो भर सतगुरु से खजाना पाना हो ना तो ऐसे नहीं मिलता। देखे देखते जाएंगे हम, हरिदास जी अपने इष्ट देव देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर हम अपने सतगुरु को सेवा करके रिझा लेते हैं ना, तो हमारे इष्ट देव हैं श्री राज श्यामा जी, और वो राज श्यामा जी के चरण कमल, उनका स्वरूप हमारे हृदय में वो अपने आप बैठा देंगे जब हम उन्हें प्रसन्न कर लेंगे। पर प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां सुनते जाइए, क्या क्या कुर्बानियां करते हैं, और प्रसन्न होके कहेंगे मैं तुम्हें बाल मुकुंद देता हूं। कोई देता है अपने इष्ट देव, 25 वर्ष से सेवा कर रहे थे उनकी और तैयार हो जाएंगे देने के लिए, प्राणों से भी उनको प्यारे हैं वो, क्यों देंगे। पहले उनकी सेवा सुनिए, क्या क्या सेवा करते हैं। तो कहते हैं नित्य आने चर्चा सुने जाए बैठे सोबत। सबसे पहली बात, वो नित्य प्रति हरिदास जी महाराज से चर्चा सुनते हैं और उनकी सोबत में जाके बैठते हैं, है ना। तब ए मत्तु मेहता सुनी धाय के आए इत। हरिदास जी को पहले कह रखा था मत्तु मेहता जी ने कि हमारा बेटा बहुत समय से घर से गायब है, और कहीं घूमते हुए आपके पास आ जाए तो मुझे समाचार दे देना। तो हरिदास जी ने चिट्ठी लिख दी उनको कि मत्तु मेहता जी, आपका बेटा देवचंद्र मेरे पास है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। और इधर वो रोज कहते थे कुंवर बाई जी को, कुंवर बाई रोज पूछती थी कि कुछ पता लगा देवचंद्र जी का कहां है। अब तक तो मत्तु मेहता जी रोज झूठ बोलते थे कि चिट्ठी आई है हरिदास जी की, वो हरिदास जी के चरणों में सेवा कर रहा है, वो रोज कह देते थे ताकि ये शांत रहे। पर अभी तक हरिदास जी के पास पहुंचे नहीं थे, पर वो कहते थे। लेकिन आज सच में चिट्ठी आ गई हरिदास जी की कि देवचंद्र तो मेरे पास है। तो कहते हैं तब ए मत्तु मेहता सुनी धाय के आए तित। जैसे ही चिट्ठी मिली पता लगा तो दौड़ के कहां आ गए, भोजनगर में आ गए। कहां रहते हैं वो, कहां रहते हैं, उमरकोट गांव में, है ना। तो
कहते आके जितनी शिक्षा देनी थी, नसीहत जो कहनी थी सो कह के थके सब, आके शिक्षा देने लगे, समझाने लगे। किनको? कौन समझा रहे? मतु मेहता जी। किसको समझा रही है? देवचंद्र जी को। ये क्यों ही मानने नहीं बेजार हुए तब? ये तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि माया तो को देखना ही नहीं चाहते, और माया की बातें सुनने में उनको लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये जो आप मुझे समझा रहे हो ना, मेरा समय बर्बाद कर रहे हो आप, क्योंकि मुझ पे तो कोई असर होने वाला है नहीं। तो कहते देवचंद्र जी माया के क्यों ये नजीक ना जाए, इनको वे गमे नहीं बड़ो दुख पहुंचाए। देवचंद्र जी माया के नजदीक नहीं जाना चाहते, हम दूर नहीं होना चाहते, वो नजदीक नहीं जाना चाहते हैं। पांच दिन का कहीं का कार्यक्रम आ जाए ना, दो दिन जावांगे, इन्ना गुजारा नहीं होता पांच दिन जाके। कितने दिन के लिए जाएंगे? नहीं, पांच दिन नहीं, दो दिन हैं। वो कहते उनको क्या नहीं अच्छी लगती माया, इनको वे गमे नहीं, गमे नहीं मतलब अच्छी नहीं लगती, बड़ा दुख पहुंचाए। इनको बड़ा दुख लगा मत्तु मेहता जी को है। हरिदास जी की सेवा करें मनसा वाचा कर्म, और किन की सेवा में लगे हुए हैं? हरिदास जी की। पता क्या क्या सेवा करते हैं? हरिदास जी की सेवा के लिए हरिदास जी के वस्त्र धोते हैं, हरिदास जी के यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, वहां पे बर्तन मांजते हैं। जो बर्तन वाले झाड़ू वाले लगे हुए थे ना, देवचंद्र जी ने उनको कहा तुम तनख्वाह मेरे से ले लिया करो है ना, पर ये सेवा आप मुझे करने दो, आपको हर महीने तनख्वाह मिलेगी। आपको तो तनख्वाह से मतलब है ना, प्रातःकाल आके झाड़ू खुद लगाते हैं। हरिदास की सेवा करते पढ़ते, हरिदास के पास वो पढ़ते और सेवा, आधी रात परिक्रमा करते, ये उनका था दस्तूर। जय हो। ये उनका था दस्तूर, मत छोड़ प्रणामी धर्म जान तक दे। कहते हरिदास जी की सेवा क्या क्या करते हैं? बर्तन वाले को तनख्वाह दे दी कि तुम बर्तन मत मांजना, थाल बोक के सेवा के मैं मांजूंगा, और पूरी झाड़ू लगानी है मंदिर के आसपास, वो भी सेवा ले ली। अब हरिदास जी के जो वस्त्र हैं वो खुद धोते हैं, और दोपहर के समय हरिदास जी के चरण दबाते हैं, नवरंग स्वामी जी फरमाते हैं, उनकी मालिश करते हैं, उनको नहलाते हैं, और दोपहर के समय हरिदास जी के चरण बैठ के दबाते हैं। और जब हरिदास जी सो जाते हैं ना, तब उनकी गायें लेके जंगल में चराने के लिए जाते हैं। क्या पाने के लिए हैं? ऐसे लिखा श्री जी ने, कई कस नहीं करी दुल्हन सो भी कारण हम, ये श्यामा जी नहीं कर रही, ये देवापी जो जीव है ना वो कर रहा है, उसकी 81वें और 82वें पक्ष की भक्ति बाकी रह गई है, 82वें और 83वें पक्ष की भक्ति बाकी रह गई है, 81 पक्ष की भक्ति वो पूरी करके आया है देवापी का जीव, लेकिन 82वां और 83वां पक्ष उसका बाकी रह गया। बाल मुकुंद जी की भक्ति और बांके बिहारी की भक्ति बाकी है, इसलिए यहां देवापी का जीव ये सब कर रहे हैं। श्यामा जी तो देख रही हैं, श्यामा जी हरिदास जी के चरण नहीं दबाएंगी, श्यामा जी हरिदास जी के मंदिर में झाड़ू नहीं लगाएंगी, श्यामा जी बर्तन नहीं मांजेंगी, है ना। तो ये कौन कर रहा है? वो जो देवापी का जीव है ना। और कहते जब वो सो जाते हैं तो जंगलों में जाते हैं गाय चराने के लिए, घास लेके आते हैं वहां से। किसको प्रसन्न कर रहे हैं?
सेवा करके दिखा रहे हैं कि कैसे प्रसन्न किया जाता है, है ना। देख सांचे हरिदास जी इनको मन में देऊ नाम सिमरण। पहले ऊपर कह रहे हैं हरिदास जी की सेवा करें मनसा वाचा कर्म, कछु शक ना ल्यावी रहे आत्मा के धर्म। कहते सतगुरु पर किसी तरह की शंका नहीं लानी चाहिए और उनके अंदर किसी प्रकार का शक नहीं है अपने सतगुरु के लिए, और मन से वचन से और कर्म से सेवा कर रहे हैं। और हरिदास जी ने इनको देखा कि ये तो सच्ची आत्म कोई मेरे पास आई है, उनके मन में आया कि मैं इनको नाम सिमरण दे दूं। ऐसा विचार करके हरिदास जी ने एक दिन निश्चित कर लिया। और इधर मत्तु मेहता सोचते हैं कि देवचंद्र जी का जो वैराग चढ़ा हुआ है ना, मैं किसी लड़की सुंदर लड़की के साथ इनकी सगाई कर दूं और सगाई करके इनकी शादी कर दूं और शादी के बाद ये वैराग सारा इनका उतर जाएगा। जो दिन सोचा हरिदास जी ने मंत्र दीक्षा देने का, उधर मत्तु मेहता जी ने वही दिन सोचा शादी का। ठीक है, तो कहते हैं मत्तु मेहता जी ने सोचा, मत्तु मेहता विचार करें क्यों ये दारू माया में, तो ये हाथ आवे मेरे छूटे वैराग इनसे, मैं इनको माया में डाल दूं तो मेरे हाथ आ जाएगा मेरा बेटा और ये वैराग्य उतर जाएगा। तो मत्तु मेहता अकेले ही गए लड़की देखने के लिए। लीलबाई लड़की को देख के आए कि बड़ी सुंदर है, सुयोग्य है, लायक है ऐसी कन्या, और जाके लीलबाई के माता पिता जी के साथ बात पक्की कर आए अपने बेटे की, और देवचंद्र जी को आके बताया नहीं, आके बताया नहीं है। तो कहते एक ठोर सगाई करके ब्याह को धरायो दिन, शादी की भी डेट फिक्स कराई। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, सगाई तो बताई नहीं, शादी की भी डेट फिक्स करके आए, है ना। वही दिन था उत्तम लेने का नाम सिमरन। उधर हरिदास जी ने वही दिन निश्चित कर रखा था नाम सिमरन का, और वल्लभाचार्य संप्रदाय के अंदर नाम सिमरन लेने के लिए मुंडन करा के आना पड़ता था, बाल भी पूरा उस्तरा फिरा के, दाढ़ी पर भी पूरा उस्तरा फिरा के, बिल्कुल प्लेन होके आना पड़ता था, तब वो देते थे। क्या देते थे? और देवचंद्र जी महाराज दाढ़ी मुच्छे बाल बिल्कुल प्लेन करवा के आ गई, किन के पास? हरिदास जी के पास। तो हरिदास जी के पास जब आए तो हरिदास जी ने पूछा कि तुम्हें आज हम नाम सिमरण दें, है ना। तो कहते कि हां जी। तो उन्होंने कहा फिर आपको भद्र वेश होके आना है, तो कहते आके बैठ गए। तो अब हरिदास जी पूछते हैं कि आपने किसी का नाम लिया है क्या, पहले किसी से नाम मंत्र ले रखा है? तो देवचंद्र जी कहते हैं एक सन्यासी से लिया था। किससे लिया था? वो दत्तात्रेय का लिया था, एक सन्यासी था। तो कहते हैं आप ऐसे करो, हरिदास जी ने कहा ऐसे करो, वो नाम सिमरन रोटी में लपेट के और उसी सन्यासी को वापस कर दो। देवचंद्र जी ने कहा इससे क्या होगा? बोले उनका नाम उनके पास चला जाएगा। तो देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, तब श्री देवचंद्र जी ने कहा इनसे कछु ना होए, और जो मेरे को रटा हुआ है जिसका मैंने इतना जाप किया है वो कोई रोटी में पकड़ाने से मेरे अंदर से कोई चला जाएगा है। जो नाम और जोरावर तो क्यों करने से सोए, अगर वो नाम शक्तिशाली है सन्यासी का तो मेरे दिल से कैसे निकलेगा। जो तुम्हारा नाम जोरावर आप ही होवे दूर, और अगर आपका नाम शक्तिशाली है तो वो नाम अपने आप दिल ही नहीं करेगा पाठ करने को, इसी नाम का जाप करूंगा। आपका मंत्र अगर शक्तिशाली है तो देवचंद्र जी कहते ये तो ऊपर का अर्थ है, ये आम का मजकूर, ये दुनिया वाले ऐसा करते हैं, मैं नहीं करूंगा है। सुन ऐसी बात हरिदास जी बड़ो जो पायो सुख। हरिदास जी ने जब ये बात सुनी देवचंद्र जी की तो बड़े प्रसन्न हुए कि अरे वाह, दियो नाम सुमरण, देखो स्वरूप सन्मुख, नाम सिमरण दे दिया का इस स्वरूप को, बांके बिहारी जी के स्वरूप को देखो और नाम का जाप करो। क्या मंत्र था?
भजमन कुंज बिहारी वृंदावन नित विलास, कुंज वन के अंदर विलास करने वाले अखंड वृंदावन गोलोक धाम के अंदर विलास करने वाले वो श्री कृष्ण का आप ध्यान करो और यही रखो तुम दिल में, सुमरो कर विश्वास, इस मंत्र को दिल में रखो और विश्वास से सिमरन करना। और दूसरी बात कही, सखी भाव भजियो भरतार, अपने आप को क्या समझना, अपने आप को सखी समझना। विदा दई तिन घर को देखा मतु मेहता ए, विदा दी और मतु मेहता जी देखते हैं ये घर आ रहे हैं, क्या माथे पे तिलक लगाया हुआ है, पूरा ये प्लेन है, ये भी पूरा प्लेन है, आके क्या कहते हैं, जो भद्र वेश देख के करने लगे शोर, मतु मेहता शोर मचाने लगे कि ये क्या किए, ये कैसो काम किए, चाहिए श्रृंगार इस ठोर, ये क्या करके आए हो, आज तो तुम्हें सेहरा बांधना था, आज तो तुम्हें दुल्हा बनना था, तो रो पीट के मथा पीटने लग गए देवचंद्र जी को देख के मतु मेहता जी। और खींच ड्राई के कहे सुकन, देवचंद्र जी कहते जब पिता मर जाता है ना तब ये रोड करते हैं जो तू करके आया है, तो कहते हैं मैंने क्या किया है, कहते देवचंद्र जी उत्तर दे तुम क्या चाहते इस दिन, ये क्या कर रहे, क्या कहे जा रहे हो, इस दिन ये कौन सा दिन है, आज क्या है, तो कहते मैं ब्याह करना था जिन सौ किया है तीन सौ, बोलो श्री, अरे कहते आज ब्याह था, तो कहते मुझे तो जिनसे ब्याह करना था मैं कर क्या आया हूं, मैंने तो तुमको वर्जिया, मैंने तो आपको मना किया था, मेरे काम नहीं इनमो, मेरा माया के साथ कोई लेना देना नहीं है, कहते ऐसे में ब्याह हुआ और खटपट नित्य होए, ऐसे में शादी तो हो गई और नित्य पति खटपट चलती है। श्री देवचंद्र जी हरिदास की सेवा करते है सोए, देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी की सेवा तो जो की त्यों करते हैं, कैसे सेवा करते हैं वो हम कल के रोज फिर सुनेंगे, बोलो श्री प्राणनाथ। आज हमने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछने हैं। अच्छा आप ये बताएंगे कि तीन तकरार कौन से हैं, कौन बताएगा तीन तकरार कौन से हैं, सभी हाथ खड़े करो, किस किस को आता है, जिस जिस को आता है वो हाथ खड़ा करें, जो हाथ खड़ा करेगा उसी से पूछेंगे। शोभित को आता है ना, शोभित यहाँ पे आओ मेरे पास, इधर आओ, यहाँ पे आओ, हमारा शोभित बताएगा, एक माइक देना, यहाँ पे खड़े होके, ये सारे लाइव वाले भी आपको देखेंगे, ये हमारा शोभित है, श्री कृष्ण लाल जी चुग, वीना जी चुग का बेटा और अनिल जी और शिखा जी का सपुत्र, बता रहा है तीन तकरार कौन से हैं। माइक फोन करो, फोन है, बोला श्री, अभी तक करना सफल हो गया, ठीक है चाहे आज ही भोग डाल दूं, ये तीन ही तो, तीन की तो बात सुनानी है, वो तो शोभित नहीं सुना दी, तीन ही ब्रह्मांड की बात पूरी अभी तक में करनी है तो शोभित ने तो एक लाइन में सुना दिया, बोलो श्री प्राणनाथ। श्री कृष्ण जी ने ब्रज मंडल के अंदर कितने समय तक की लीला की थी, जो वो ब्रज के अंदर आए थे कितने डेज और डे थे, कितने डेज थे, कितने इयर्स और कितने डेज थे, आप इसमें बोलो, 11 years 52 days, बोलो श्री प्राणनाथ, 11 वर्ष और 52 दिन, देखा अब बताओ अभी तक सफल हो रही है कि नहीं, ये अपने मम्मी पापा को कहते हैं मुझे मोबाइल नहीं देखना, मुझे वहां बैठ के, और मुझे मेरा नाम रखा हुआ है इसने जब छोटा सा तब से ब्रह्म सृष्टि और कुछ नहीं। अच्छा तो धनी देवचंद्र जी की माता जी का क्या नाम था, मम्मी का क्या नाम था, देवचंद्र जी की मम्मी का क्या नाम था, बोलो श्री। और देवचंद्र जी के पापा मतलब पिताजी का क्या नाम था, बोलो श्री प्राणनाथ, प्यारे की।
इसी को ही ना पूरी बीतक सुना दूं बैठ के, और अगली बार ये आपको बीतक इस तख्त पर बैठ के सुना दे। हमारा शोभित आज आप सब इसको प्राइज दोगे, यहां से तो देंगे, ऐसे ही प्रोत्साहन आप बढ़ाते जाओगे, प्रोत्साहित करोगे बच्चों को। कितने प्यारे जवाब दे रहे वो, है ना। अच्छा, आप में से दो तीन जनों ने तीन तकरार के लिए हाथ खड़ा किया था, है ना, और उसने ये सारे प्रश्न वो हमारे पिंटू जी से पूछ चुका है, अनिल जी से, और फिर अपनी बहन को पूछता है वीडियो कॉल करके कि तेरे को पता है तीन तकरार कौन से हैं। मेरे को पता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बढ़िया शोभित, शोभित को हम प्राइज देंगे यहां से, और कल फिर सुनेंगे शोभित से, है ना। अभी शोभित बेटा टाइम हो गया, ठीक है, कल सभी बच्चों से सुनेंगे। देखो इस बच्चे से जितना सुना उसने उतना बताया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये शोभित का प्राइज है। अभी रुको, माला भी पहनाते हैं आपको। प्राणनाथ जी बैठी हैं यहाँ, ये प्राणनाथ जी आपको माला पहनाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इन सबको लाइव सुंदर साथ जो सुन रहे हैं ना, इन मेरे को ये पकड़ाओ, और सबको बोलो प्रणाम जी, प्रणाम जी बोलो, सभी को हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ प्रणाम जी। शाबाश, बहुत अच्छे, सभी तालियों से स्वागत कीजिए। पहली बार बच्चा माइक लेके और इतने प्रश्नों का जवाब दिया है। क्या एज है शिखा अभी शोभित की? अभी 9 वर्ष का है शोभित, ठीक है, और 9 वर्ष के शोभित ने से जितने प्रश्न पूछे गए वो सारे प्रश्नों का उत्तर अकेले शोभित ने ही दे दिया। अभी समय हो रहा था, नहीं तो उसको बहुत सारे आते हैं सारे प्रश्न पूछते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए हम चौपाई दोहराएं। ऐसे में ब्याह हुआ खटपट नित होए, श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करत हैं सोए, सेवा करत हैं सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथ प्यारे की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। महाराजा छत्रसाल जी की। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। तीनों पुरी धाम की। आज के आनंद की। सभी लाइव सुंदर साथ शोभित को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, और शोभित के लिए पता नहीं कितना ऐसे ऐसे वो होता है ना, जो ऐसे ऐसे वाला वो लाइनें बन बन के आ रही हैं। शोभित को कह रहे हो ना, आपको रोज बच्चों से हम सुनाएंगे नई नई चीजें, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चलो आरती बोलो। श्री प्राणनाथ भजरे, इन सबको दिखा दो, 2 मिनट के लिए बैठे रहो, लाइव देखते हैं सारे सुंदर साथ आपको। Yeah.